बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं टिंडे, जो कि आजकल बहुत मज़ेदार से कच्चे टिंडे आए हुए हैं, देखें बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने लिए हैं टिंडे, ये मैंने तकरीबन एक पाव के करीब हो गए, क्योंकि ये सिर्फ एक दो लोगों के लिए। और एक छोटी प्याज ली है, दो छोटे टमाटर लिए हैं, लहसुन अदरक और हरी मिर्च मैंने पीस लिए। तो आए बनाते हैं। आयल मैंने गर्म होने के लिए रख लिया था, प्याज हम सुरख कर लेंगे, सुरख बहुत ज़्यादा सुरख नहीं करेंगे, हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे, लाइट पिंक करेंगे। देखें ये लाइट पिंक होना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्चें। टिंडे हमारे थोड़े से हैं, तो इसलिए ये चीज़ें भी हम कम कम इस्तेमाल करें। मौसम की सब्जियां हैं ये, खाया करें। आजकल तो महंगाई भी इतनी हो रही है, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, ये चीज़ें बच्चों को आदत डालेंगे के साथ साथ खाएँ। भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना लहसुन को। अच्छा, हम डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून ही हम डालेंगे लाल मिर्चें, क्योंकि हमने हरी मिर्चें पीस के डाली हैं और साबुत भी हम डालेंगे। मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ये नमक आप हसबे ज़ायका डालें, ज़ीरा भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया तकरीबन एक दो स्पून। ये जो मसाला है ये अच्छे से इसमें पक जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हम इसमें डाल देंगे टमाटर, इसको हम थोड़ी सी देर कवर करके रखेंगे। इसके साथ ही दो मिर्चें भी मैं डाल देती हूँ कि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं। इसको मैं कवर कर लेती हूँ, आग थोड़ी सी हल्की कर देते हैं ताकि ये जल्दी गल जाए। अच्छा, इसको कवर कर लिया करें तो ये टमाटर ना जल्दी गल जाते हैं। हाँ, तो तेज़ कर लेंगे, अच्छे से टमाटरों को भून लेना है ताकि इनकी खटास कम हो जाए। अच्छा, कोशिश किया करें कि सब्जियों में बहुत ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल नहीं करें, इसका ओरिजिनल जायका ही रहने दें। बस नमक मिर्च के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जीरा डाल दिया करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। कोई आज एक आध सब्ज़ी होती है जिसमें बंदा डाल दे, दाल वगैरह में तो गर्म मसाला जाता है, लेकिन ये ना सब्जियों में ना ही डालें तो मज़े की लगती है। बाकी हर एक का अपना टेस्ट होता है। तो अब हम टिंडे डाल देंगे, इनमें हम कोई पानी यूज़ नहीं करेंगे, बस इसको हम अच्छे से पहले तेज़ आंच पे भून लेंगे और फिर उसके बाद इसको ना हल्की आंच पे रख देंगे कवर करके, तो ये अपने ही पानी में गल जाएंगे। इसको सारा मसाला इसके साथ लग जाए तो इसको कवर कर लेंगे, आंच हम हल्की कर लेंगे, थोड़ा सा 3-4 मिनट हम तेज़ आंच पे भून लें। उसके बाद आँच हल्की करके हमने रख देना है, तो टिंडे हमारे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये तकरीबन 10 मिनट हो गए। बीच में मैंने एक दफ़ा इसका ढक्कन उठा के इसमें चमचा चलाया था, लेकिन ये देखिए ये अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें,
इन्हें ना अच्छे से गल गए, तो थोड़े खड़े खड़े हों तो मज़े के लगते हैं, खड़ी खड़ी सब्ज़ी थोड़ी क्रंची हो तो मज़ा आता है खाते हुए। ये देखें ये बिल्कुल रेडी है, इसमें कोई पानी कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें एक अदद अंडा भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने के लिए फिर आपको ना टमाटर नहीं डालने पड़ेंगे। ये आप थोड़ी सी ये टिप है कि दूध में ना टमाटर फट जाएंगे, और चाहें तो दही भी इसको फेंट के डाल सकते हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको वो भी बता दूँगी। अभी हमारे टिंडे रेडी हैं खाने के लिए, आप इसे ना ये थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं, इस पर एक और काट लेती हूँ। आप इसे नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, जैसे दिल चाहे आप इसे खाएं। आप सफ़ेद चावलों के साथ भी खाएं तो आपको इतना ही मज़ा आएगा। सही है, अगर डिश आपको अच्छी लगे तो दुआओं इसको आगे शेयर करना, लाइक करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ये थोड़ा सा मैंने ना ज़ीरा डाल दिया। अल्लाह हाफिज़।